अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमने आलू और गाजर की सब्ज़ी तैयार की है, जो बहुत ही हमने कम मसालों से इसको रेडी किया है। आप भी इस तरह ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पर हमने घी को गर्म करने के रख दिया था। अब इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, जिसे बारीक स्लाइस में काट लिया है। घी के अंदर प्याज को शामिल करेंगे। प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको घी के अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर जो प्याज है, इस पर लाइट गोल्डन कलर आ गया। अब इसके अंदर हम अदरक शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने अदरक को बारीक स्लाइस में काट लेंगे, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और एक मिनट तक इसको भी घी के अंदर फ्राई कर लेंगे, ताकि जो अदरक का कच्चा पान है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, जो क्यूब्स कट में काट लिए, ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। टमाटर को शामिल करने के बाद हम अब उसकी थोड़ी देर भुनाई कर लेंगे, ताकि जो हमारे टमाटर हमने इसके अंदर शामिल किए हैं वो थोड़े से नरम पड़ जाएं। यहाँ पर हम इसमें जो ड्राई मसाले वो शामिल करेंगे। अब इसमें एक चाय का चम्मच सूरमिर्च शामिल करेंगे, साथ में इसमें एक चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे। नमक को मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, साथ में आधा चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे और आधा चाय का चम्मच खुश कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। ये मसाले शामिल करने के बाद अब हम मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो जले ना। यहाँ पर हमने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। देखिए, जो टमाटर है वो भी इसमें ख़त्म हो गया है और मसाला जो हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें हम सब्ज़ी शामिल कर लेंगे। यहाँ पर हमने आधा किलो आलू और आधा किलो गाजर ली थी, ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अब इसकी एक से दो मिनट तक मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे और भुनाई भी साथ कर लेंगे। यहाँ पर हम इसमें पानी नहीं शामिल किया। एक से दो मिनट भुनाई करने के बाद अब हम इसको ढक देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर, ताकि जो हमारी आलू और गाजरें अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पर 10 मिनट हो गया और जो हमारी आलू और गाजर हैं वो अच्छी तरह से गल चुकी हैं। ये देखें, हमारी जो सब्ज़ी है वो तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हम बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च और धनिया शामिल कर देंगे। धनिया और सब्ज़ मिर्च शामिल करने के बाद अब इसकी भी सब्ज़ी के अंदर मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद आप इसको डिश आउट कर लें। और अगर आपको यहाँ पर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिया करें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।